आज का व्लॉग तो A1 बनने वाला है ना, मेरे को पता है। बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट गोज टू ऑल CIG डिपार्टमेंट। तुमने यार हट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द लास्ट व्लॉग। नहीं देखा हो तो आई बटन में लिंक है, जरूर जाके देखें। आज मैं कुर्ता पहन के तैयार हूँ आज, लेकिन ऑफिस में जा रहा हूँ कुर्ता पहन के, इसलिए क्योंकि आज है DJ इवनिंग होगा और अपने वहाँ जो ऑफिस में दशहरा का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वो जो है आई गेस 4 बजे करीब से शुरू होगा, तो इसके वजह से आज का ड्रेस कोड ही है लड़कों का कि कुर्ता पहन के। पता नहीं कितने लोग कुर्ता पहन के आएंगे, लेकिन मैं तो भाई कुर्ता पहन के जाने वाला, क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कुर्ता पहनना। अभी ज़्यादा देरी ना करते हो, फटाफट निकलता क्योंकि मैं लेट हूँ, वरना फिर बस छूट जाएगी। लिटरली हमेशा एकदम एक फिक्स्ड मेट्रो टाइमिंग है, एकदम करेक्ट टाइम में जब बस निकलने वाली रहती है उससे 2-3 मिनट पहले पहुँचता हूँ एंड फिर वहाँ से ऑफिस पहुँचता हूँ। इसके वजह से हमेशा मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो होती है ऑफिस वाली, वो इसी से होती है कि ज़्यादा देर ना करूँ वरना लेट हो जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू द ऑफिस इन अ ट्रेडिशनल। होप सारे दोस्त लोग भी जो है ट्रेडिशनली पहन के आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और वैसे आकाश गौरांग ये लोग तो कोई भी नहीं है अभी, जो लोग आ नहीं रहे उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अभी बस शिवम ने बोला था कि वो पहनेगा, देखता वो पहनता भी है या नहीं। देख रहे हो यार, मेरी 4th अक्टूबर चलता है शेरा, पूरी बस खाली है, एक लोग भी नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस, ऐसा कभी नहीं हुआ यार। सब लोग आए गए, सब घर पर गए हुए हैं एंड बहुत लोग शायद छुट्टी भी किए होंगे या कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे। वैसे मेरे को भी आने का मन नहीं था एकदम, लेकिन फिर भी जाना है क्योंकि आज थोड़ा ब्लॉग अच्छा बन जाएगा। प्लस बना रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो मज़ा है। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कभी भी हो पाए, लेकिन काइंड ऑफ मिरेकल। मैं बस में घुसा, मैंने वापस कंफर्म किया भाई न्यूजन की बस है ना, तो उसके बाद में बैठा, मैंने पूछा भैया कोई भी नहीं है क्या, ना कोई आए, चलो ठीक है अकेले जाएंगे आज। वैसे काफ़ी लोगों के स्टैप्स देखे मैंने, सारे ट्रेडिशनल्स में आ रहे हैं, एक अमन भाई भी है मतलब ऑफिस का ही, तो वो भी ट्रेडिशन में ही आ रहा है एंड और एक दो लोग वो ट्रेडिशन में आ रहे हैं, तो होपफुली मज़ा आएगा। भाई यहाँ पे भी पूरा लग रहा है भाई, पूरा नीचे आज तो DJ नाइट, तो उसमें मैंने देखा ना कि DJ नाइट भी होगा, तब ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। अरे आकाश भी आ रहा है अभी भाई, आकाश का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लेकिन आज वो आ रहा है, मज़ा आ गया। अभी कैफेटेरिया आए थे हम लोग, यहाँ पे भूख लग जाता है 12 बजे, तो मैं तो पीनट खाया और ये आकाश भी आ गया काफ़ी दिनों बाद। तो ये तो अपना टिफिन लेके आता है, लेकिन सब सोचते हैं साला लंच में खाएंगे, ये जो नाश्ते में खाता है। अभी वापस जा रहे हैं नीचे, फिर काम है। तो वेस्ट अभी हम लोग अपने ऑफिस के अंदर तो ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता, यहाँ पे रावण मेकिंग कंपटीशन भी है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है ना। अंजलि जो है ये स्केच बना रही है अभी, और ये वाला हम लोग बना रहे हैं, नीतीश जलाएगा जलाने का कंपटीशन फिर कभी। और यहाँ भी कलर पेपर्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग कलर्स वगैरह नहीं मिल रहे क्या? यार पेंटिंग कलर्स वगैरह मिलते हैं ना तो मैं बनाता हूँ। पता चला कोई और ही नहीं, कोई और है यार, शाम को तुमको चाय समोसा। चले भाई अमन भाई बाहर में, थोड़ा DJ वजह टेस्टिंग चल रही है,
भाई 10 सर बना के देने। कलर भी नहीं दिया इन्होंने, कलर वाले तो कुछ दिया ही नहीं है, बस वो लेकिन यार नहीं, बस दो कलर में क्या होगा, ग्रीन और रेड। अरे स्केच कलर्स ही दे देते ना इससे करण नहीं, नहीं उसको अगर हम लोग छोटा छोटा काट के भर देंगे, फिल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू तो हो जाएगा। और ये रिबन का ये तो 10 सर तो अटेंगे नहीं, तूने जितना बनाया बड़ा। क्या नहीं अटेगा, 10 सर घुमा देगी बोल देना वो तो पीछे है ना दो दो पीछे। अरे नहीं नहीं कंपटीशन वाले पूछेंगे तो बोल देंगे ना, वो तो पीछे गए ना बाकी। हैं नहीं नहीं तो थोड़ा टाइम स्किप भी तो दिखाना चाहिए, पूरा दिखाऊंगा बैठ के तो हो गया। एक फोटो मेरा ले लिया नहीं नहीं, नहीं। या, वो छोड़ ना, नीतीश यहाँ पे बैठ के एक्टिंग कर रहा है बनाने का, बोलता है मेरा वीडियो बना अभी भी नहीं बनी। तनु जब हो जाए मुझे दे देना भाई। अच्छा नीचे से वो काट दिया क्या? हाँ भाई किसकी शक्ल किससे मिल रही रावण की? किसकी? रावण रावण फुल ऑन तेरे जैसे भाई कर रहे हैं। ओहो ओहो नीतीश फाइनली एक काम कर रहा है अपने रावण मेकिंग कंपटीशन में। अभी जो कोऑर्डिनेटर थी वो आई थी कह रहे थे हमारा बहुत अच्छा बना, बाकी उसे सबसे बेस्ट बना। अरे हमारा बेस्ट बनेगा यार, सीआईडी वाले पहले मेहनत बहुत लगी है डायग्राम में। हाँ देखते देखते ना तेरा देखते देखते ब्लॉग पे ब्लॉग आज का ब्लॉग तो A1 बनने वाला है ना मेरे को पता है। दहन भी करो रावण का। गाइस हमारी रावण जो है वो तैयार हो गई है। एक्सक्यूज अस ये रे खड़े मिलो, ये हाथ तलवार तलवार तेरा छोटा हो गया, जूते भी इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट गोज टू ऑल CIG डिपार्टमेंट। तुमने यार हट तुम कहाँ से आ रहे हो तनु? अरे सभी लोग थे, सभी लोग थे। अंजलि अंजलि अपनी मेन क्रिएटर थी वो भाई, हाथ वाला सबसे मेरी वीडियो भी है भाई बनाने की है। तो ये काटने का तो एक काट करने का है, कट पूरी जीत जाएंगे इस बार हम लोग, होपफुली जीतेंगे। जीत गए जीत। सीआईजी ये सब चीज में बहुत ज्यादा आ गए, काम करने से फुल सीआईटी में आ गए हम लोग, आज वाले हम लोग ज्यादा पहले तो राउंड वाले ठेके लेता था ये। गाइस यहां पे सेलिब्रिटी के रूप में आया रावण जी, सब उसका फोटो ले रहे जा रहे हैं। वन ऑफ आवर मेन क्रिएटर। वन शिफ्ट लेटर सो गाइस डिज नाइट हैज स्टार्टेड।
थक गए, आवाज भी बैठ गई है। अब खाने के लिए आज स्पेशल स्नैक्स है बर्गर एंड आटा। मेरे साथ अमन है। यार अपनी डांसिंग वांसिंग जो है ना एकदम खत्म हो गई, अब बहुत ही ज्यादा मजा है। मैंने द बेस्टेस्ट पार्टी थी वहाँ, और अभी जो मैं फटाफट निकलता हूँ 6:30 बजे वाली बस में, एंड अभी राइट नाउ 7:50 लिफ्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर है, आने में टाइम लगेगी। एकदम थक गया मैं यार। 6:30 बजे वाली बस में निकलना है, फटाफट करो। 6:30 बजे वाली बस, स्क्रीनशॉट ले लियो, ले स्क्रीनशॉट ले लियो। I'm back home finally and I'm gonna rest all now. बहुत ज़्यादा थक गया है, कुछ ज़्यादा ही नाच लिया, एंड ये तो अभी भी काम कर रहा है रियाज, कुछ ज़्यादा ही काम नहीं करता है भाई तू। रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई लगता है क्लाइंट की। मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया, एंड अभी जा रहा हूँ मैं, मैंने सर दर्द का दवाई लिया है, इतना ज़्यादा नाचा कि सर दर्द एकदम करने लग गया। जाता हूँ फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज करके दवाई खा के थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है। बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया कि भैया भाभी और जो मेरी दीदी आयान की मम्मी और अमान, ये लोग सब लोग आए हुए हैं, एंड उन लोग से मिलने जाना है मेरे को, मतलब दो दिन पहले, बहुत दिन पहले से आए हुए हैं, तो उन लोग से भी मिलने जाना है। तो अभी जब तक रेस्ट कर लेता हूँ और अभी के लिए ब्लॉग एंड कर देता हूँ। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आज यू लव मी गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।